वन बॉक्स का कितने है? 10 रुपीज। वन बॉक्स कॉस्ट कितनी है? ₹10। तो थ्री बॉक्स कॉस्ट, थ्री बॉक्सेस कॉस्ट इक्वल टू, एक की है तो थ्री बॉक्स है ना, तो थ्री टाइम्स 10 तो कितनी हो गई 30। इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग। अब 27 था, ये हमें टेबल के, हमें टेबल लर्न होने चाहिए और यहाँ पे हमें टेबल के हिसाब से ये करना है। तो जितना मल्टीप्लिकेशन हमें आएगा उस तरह से हमें ये करना है। तो ये आगे हम देखते हैं, ये चैप्टर बहुत यानी मल्टीप्लिकेशन ही है इसके इसमें। तो अभी देखो कंप्लीट द फॉलोइंग, तो 27 का कितना होता है? तो 40, 49 जा, तो 4 टाइम्स हम 9 को प्लस करेंगे या हम टेबल लर्न करेंगे। तो टेबल से हमें हमें क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें पूरे 10 तक टेबल लर्न होना चाहिए। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऐसा प्लस प्लस करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना है, टेबल लर्न करना है। अभी लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट देम। ये पैटर्न, तो ये 3 टाइम्स जंप्स लिया है। देखो 3 2 6, फिर 3 3 9, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 4 12, फिर 3 5 15, 3 6 18, है ना। यहाँ पे 2 का टेबल, यहाँ पे 10 का। इस तरह से हमें ये कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन ट्री। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ट्री, अभी यहाँ 12 को कब तक हम करेंगे, कितनी बार होगा, तो 2 6 12 बराबर, फिर 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, है ना। फिर कहा 12 4 3 6 2 और 12 1 12। इस तरह से हम कर सकेंगे, ये हमें ये करना है। फिर यहाँ पे अभी मैंने सिखाया ना कि एक शर्ट को 5 बटन्स है, तो हाउ मेनी बटन्स वुड 3 शर्ट्स है, तो 3 टाइम्स क्या करेंगे हम, 3 शर्ट्स है और एक बटन, एक इसमें कितने है, 5 है, तो 3 times 5 यानी कितने बटन हो गए 3 शर्ट को, 15। इस तरह से ये हमें पीडीएफ में ये आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, 8 3 24, फिर यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, 5 into कितना करेंगे तो 35 आएगा, तो 5 into 7 करेंगे तो 35 आएगा, फिर कितना 36 आएगा, तो यहाँ पे 6 6 36, कितना 42 आएगा, 6 7 42, 5 4 5 10 50, 5 8 40, और कितना, तो 9 6 54। इस तरह से हमें काउंट करते आना चाहिए। हमें टेबल आएंगे तो हमें ये अच्छे से आएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 1 1 का मल्टीप्लीकेशन, 1 तो किससे भी हम मल्टीप्लाइड करेंगे, जिससे भी मल्टीप्लाइड करेंगे हम 1 को, तो वही आएगा, है ना। 1 को कोई भी इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, समझो 1 को हम 12 से करेंगे तो 12 1 12। 1 को किसी से भी हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो जिससे मल्टीप्लाइड करेंगे ना वही उसका आंसर आएगा। अभी बिग नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है ना, बिग नंबर, तो हम किस तरह से करेंगे बिग नंबर को मल्टीप्लिकेशन। समझो कि 30 यहाँ पे बिग नंबर है, 34 को हमें 2 से करना है, तो अब क्या करेंगे हम, हमें 34 का टेबल थोड़ी ना आता है कि 2 को हम 30, तो हम क्या करेंगे इस तरह से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, 4 2 4 8, पहले इस तरह से हम यहां से लास्ट से करेंगे, तो 4 8 और फिर 2 3 6, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा नंबर हो तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 40 times 2, है ना, 40 times 2, तो क्या आएगा,
तो यहाँ पे क्या आएगा, 400, 4 2 8, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरो को ये भी एक याद रखना है कि कोई भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही आता है। तो 200 और 2 4 8, यानी कितना हुआ, 40 80। इस तरह से हमें बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम इस तरह से करते हैं। फिर अब इस तरह से हमें दूसरा भी सीखना है। तो2 multiplied by 20
थ्री, तो ये कितना हुआ, ये 20 10, यानी कितना हो गया 200 हो गया, है ना। ये 2 1 2 और ये 0 0, फिर यहाँ पे ये 30, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हम 200 लिख देंगे पहले, फिर यहाँ पे कितना हो गया 40, और यहाँ पे कितना हो गया 6, तो 6 यहाँ अच्छे से देखो, ये 23 को इस तरह से लिखा, बराबर। और यहाँ पे 12 को कैसा लिखा, 10 + 2 लिखा। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 20 और 10 × 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो गया 200 हो गया, और ये कितना हो गया 30, फिर 2 को 20 से तो ये कितना हो गया 40, और 2 को 3 से यानी कितना हो गया 6, है ना, ये हो गया 6। अब हम ये सब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 200, यहाँ पे हम लिखेंगे 200, फिर 40, फिर 30, फिर 6, तो 6 का 6, 4 × 3 = 7 और 8 × 2, तो कितना हो गया 276। ये बड़े से बड़े मल्टीप्लाई हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ये हमें खुद को करना है, इस तरह से हमें करते आना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे हमें जो प्रैक्टिस करनी है ये वर्कबुक में हम करेंगे। अभी कंप्लीट द ग्रिड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। अभी यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है ना, तो 4 × 3 = 6, 4 × 3 = 12, और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये ग्रिड हमें करें मल्टीप्लाइड से करना है। देखो यहाँ पे ऐसा दिया 1 × 1 = 1, है ना, 2, फिर 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 1 × 4 = 4, 1 × 5 = 5, इस तरह से 2 × 2 = 4, 2 की लाइन में 2 × 3 = 6, फिर इस तरह से भी ऐसा वो टेबल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे 2 का टेबल तैयार, इस तरह से 4 देखो, 4 × 1 = 4 आएगा, यहाँ पे 4 × 3 = 2 = 8, है ना, 4 × 4 = 16, इस तरह से ये ग्रिड क्या करनी है हमें, कंप्लीट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टेबल, यहाँ पे ऐसा क्या दे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाइड दिया हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे रो दिए हुए हैं, देखो ये मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता दी, ये 1 × 1 1 × 2 = 2 1 × 3 = 3 1 × 4 = 4, ये 1 का हुआ। अब यहाँ पे 2 का, 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8, इस तरह से हमें कंप्लीट। अब यहाँ पे 3 का आएगा तो देखो 3 × 1 = 3, यहाँ पे ऐसे भी ये देखो, यहाँ पे 1 का टेबल आ जाएगा, यहाँ पे 2 का टेबल आ जाएगा, ऐसे भी टेबल आ जाएगा, ऐसे रो में भी टेबल आ जाएगा और कॉलम में भी, 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12, तो इस तरह से ये हमें टेबल दिया है। लुक एट द क्रॉस इन योर ग्रिड, एड द नंबर्स टुगेदर फ्रॉम टॉप द बॉटम। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या दिया है, ये ग्रिड दी है, ये इस तरह से, ये डार्क करा हुआ है ना, ये वाला, ये इस तरह से ऐसा डार्क करा है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, ये टॉप टू बॉटम इसको ऐड करना है, 1 2 3, तो 3 + 6 + 9 इसको हमें ऐड करना है, तो ये कितना हो गया,
सिक्स नाइन, नाइन और नाइन एटीन, एटीन हो गया नहीं। तो अभी एड द नंबर्स टुगेदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट करना है, इसको करना है लेफ्ट टू राइट, फोर सिक्स और एट। तो यहाँ पे ये कितने हो गए, सिक्स और फोर टेन और टेन और प्लस एट एटीन। तो इस तरह से देखो द टोटल इज द सेम, लुक फॉर अदर सच क्रॉसेस एंड कॉपी देम इन नोटबुक। अभी एक हमने करा, अब एक हम दूसरा भी करेंगे। तो दूसरा किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे ये टू का करते हैं, हम ये टू का करके देखते हैं, है ना, ऐसा करके देखते हैं टू का। तो टू फोर और सिक्स, तो हम टू फोर सिक्स को ऐड करेंगे कॉलम में, तो एक ही आता है, उनका सेम आता है, टू प्लस फोर प्लस सिक्स, तो टेन और टू ट्वेल्व, ट्वेल्व हो गए। ये हमने ऐसे करें, किस तरह से करें, टॉप टू बॉटम करें, ये टॉप टू बॉटम करें। अब लेफ्ट टू राइट करेंगे टू फोर सिक्स, तो वही आएगा, है ना। इस तरह से हमें करके देखना है टू, तो ये क्या है टेन और टू ट्वेल्व। इस तरह से हमें ये पूरा ग्रिड ऐसे पूरा टेबल करना है और उससे हमें पूरा काउंट करना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर हमारा बहुत लंबा, और इसमें क्या सीखा हमने, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा वाला भी सीखा, तो बड़ा वाला हमने अलग मेथड से सीखा, है ना। तो ये यहाँ पे हमारा ये चैप्टर, और जो आपको पीडीएफ है वो आपको वर्कबुक में का, वर्कबुक में भी यही प्रॉब्लम है, तो वर्कबुक में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।